कभी गंगा जी नहाने नहीं जाते थे, कुटिया इनकी गंगा जी के किनारे थी। छोटे लोगों का जो बस्ती होती है वो बिल्कुल गांव के बाहर होती है। एक पंडित जी पड़ोस में रहते थे, नित्य गंगा स्नान जाते थे। एक दिन एकादशी थी, कहरे मरे आदमी, दुनिया जन कहाँ कहाँ से काशी गंगा स्नान करने आती है। अब बड़े भारी अपने को भक्त बनते हो, कभी तो गंगा जी के पास चले जाया करो। अरे बोले क्या बात है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कहाँ जाएं मन चंगा है, बेकार की बात करता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। चल बोले मेरे पास तो आज समय नहीं है, जूते मुझे जरा जरूरी, एक सज्जन की शादी है उसको बना के देना था। ऐसा करो आप गंगा जी जा रहे हो, हाँ लो मेरा ये प्रसाद गंगा जी को चढ़ा देना। दो केले थे इनके पास, बोले प्रसाद, और ये कह देना गंगा मैया ये रैदास ने भेजा है तुम्हारे लिए, बस इतना कृपा कर दे। ले गए, स्नान किया और केला बोलकर चढ़ा दिया, और ये भी कह दिया अगर गंगा जी कुछ दें प्रसाद वगैरह तो ले आना, बस इतनी कृपा कर दे। ऐ गंगा जी तो ही प्रसाद देंगी, जिंदगी निकल गई हमें गोथा लगाते लगाते। तो गए स्नान किया, स्नान करके वस्त्र आदि बदल कर वो प्रसाद जो रखा था वो कहा गंगा मैया ये आपके लिए रैदास ने भेजा है। तो जैसे ही केले फेंके गंगा जी में से एक हाथ निकला है गौर वर्ण का सुंदर, एक आकाशवाणी हुई, हे पंडित जी ये लो कंगन एक मेरा प्रसाद है, रैदास को जाकर देना कि गंगा जी ने तुम्हारे लिए दिया है। पंडित जी को तो पसीना छूट गया, सारी जिंदगी नाक बंद करके गोता लगाते निकल गई, और उसको चर्मकार को प्रसाद गंगा मैया स्वयं बोलकर, अब से चुरा के रख तो नहीं सकते थे, बार बार देखे हीरे जड़े हुए कांचन का एकदम अलौकिक। आगे नहा के पंडित जी हाँ तो मेरा प्रसाद चढ़ाया, बोले हाँ चढ़ाया। तो गंगा जी ने कुछ बोला, बोले बोला भी था और प्रसाद दिया, देने का तो मन नहीं कर रहा था, दे दिया, बोले ये लो। अब रैदास जी ने सोचा कि इतना सुंदर करोड़ों रुपए का ये हीरा का कांचन रत्न जड़ित कंगन अगर मैं रखूंगा तो चोर आके मुझे भी मारेंगे, बच्चों को भी पत्नी को भी मारेंगे, राजा साहब जेल में उठा के बंद कर देंगे, कहां चुरा के लाया, किस राजभवन में तूने चोरी की थी। तो सोचा कि चलो ये तो राजा को ही दे दिया जाए। पहले तो उन्होंने पंडित जी को दिया, ये पंडित जी को दिया, पंडित जी ने पंडितानी को दिया, पंडितानी ने कहा कि हम क्या करेंगे इसे बेच आओ। तो जब बेचने को चले तो जिस सराफ को दिया गया उसकी कीमत तो दे दी, लेकिन सराफ ने सोचा इतना सुंदर ये तो राजा साहब को भेंट कर दिया जाए, तो बड़े लोगों से संबंध बनाने के लिए कुछ लेन देन की भेंट आते, मिठाई का डिब्बा, फलों की टोकरी वगैरह वगैरह, तो राजा साहब को दिया। राजा साहब ने रानी जी को दिया, रानी ने कहा इतना सुंदर अलौकिक कंगन, मेरे इतने जेवर हैं इनमें एक भी ऐसा नहीं है, एक से कैसे काम चलेगा, एक पहनना तो अपशकुन है, दूसरा लाइए। अब दूसरा कहां से खोजा जाए, तो राजा साहब ने सराफ बुलाया, ये कंगन कहां से तुमको मिला, बोले पंडित जी बेच गए थे। पंडित जी बुलाए गए, बोले तुमको कहां से मिला था, बोले कि मुझे तो रैदास ने दिया था ये। तो फिर रैदास के पास आए, महाराज काशी रह रहे स्वयं आए, पंडित जी आए, बोले चलो। तो रैदास जी का, रैदास ये कंगन कहां से लाए थे, बोले महाराज गंगा जी ने दिया था, गंगा जी ने जब एक दिया है तो गंगा दूसरा भी दे सकती है, बोले हाँ दूसरा भी दे सकती है, तो लाओ चलो गंगा जी। बोले गंगा जाने की जरूरत नहीं है, मन चंगा तो मेरी कठौती में ही गंगा है, लाओ महाराज। और उसमें डाला कंगन, अपने जो पात्र था मिट्टी का जो नाद थी चमड़े के जल से भरी उसमें डाला, और ऐसे हाथ हिलाकर कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और जैसे ही निकाला पस भर कर सैकड़ों हाथ में कंगन आ गए, बोले महाराज इससे मिलान कर लो जो आपके कंगन से मिलता हो। ये इस काल की कोई कपोल कल्पित घटना नहीं है, ये सत्य प्रकट की हुई घटना, प्रकट हुई घटना है। तो भगवान से, भगवान को कोई गुण पसंद नहीं है, भगवान को एक ही गुण पसंद है, भोला। भगवान को भोलापन पसंद है, और कोई आप पढ़े हैं न पढ़े हैं, गरीब हैं
कैसे भी हैं आप, शुद्ध हृदय को भगवान स्वीकार करता है, शुद्ध हृदय को।